गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, हाउ आर यू थर्ड क्लास? आज हम अपना अपनी पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पॉइंट का नेम है और पेज नंबर कौन सा है? 39, पेज नंबर 39 है और पॉइंट का नाम है द मून। मून कैसे कहते हैं बेटा? मून कैसे कहते हैं? चांद, ठीक है। सबसे पहले हम वर्ड्स दोनों देखेंगे। गले कर्डन, गले लगाना, कर्डन मीन गले लगाना। टू होल्ड समबडी एंड समथिंग क्लोज, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग क्या राइट करेंगे? टू होल्ड समबडी एंड समथिंग क्लोज, किसी चीज़ को करीब से पकड़ना, ठीक है। कोए, कोए कहते हैं अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहाँ माल उतारने की जगह, वेयर बोट्स आर लैंडेड, जहाँ पे कश्तियाँ आके उतरती हैं वो जगह, ठीक है, जगह जहाँ कश्तियाँ आके उतरती हैं, वेयर बोट्स आर लैंडेड। और स्क्वेलिंग अ मेकिंग अ नॉइजी डिस्टर्बेंस, शोर, ठीक है, कैसा शोर? आपको डिस्टर्ब करने वाला, मेकिंग अ नॉइजी डिस्टर्बेंस, शोर, स्क्वेलिंग। अब रीडिंग देखें। द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक, मून का फेस कैसा होता है बेटा? गोल होता है ना। द मून, तो कहते हैं मून हैज़ अ फेस, मून का चेहरा, चांद का चेहरा ऐसा है, लाइक द क्लॉक, घड़ी की तरह, इन द हॉल, हॉल में लगी हुई, किसके घर के हॉल में लगी हुई घड़ी की तरह, मून का चेहरा कैसा है? गोल है। शी शाइन्स, वो चमकता है उन थीव्स, चोरों पर, जो चोर आ जाते हैं घरों पर, उन द गार्डन वॉल, बाग की दीवार पर, चोरों के ऊपर भी वो चमकता है, कौन? चांद, ठीक है। द मून हैज़ अ फेस, मून का चेहरा कैसा है? लाइक द क्लॉक इन द हॉल, हॉल में लगी हुई घड़ी की तरह है, वो चमकता है चोरों पर, ऑन द गार्डन वॉल, बाग की दीवार के ऊपर, जो चोर हैं उन पर चमकता है।